अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई है। नहीं चाहिए ये जबरदस्ती की खुशी और बेकार की उम्मीदें, नहीं चाहिए। आज ये जो हो रहा है ना हमारे घर में, ये सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है दोस्ती। जब तक मालती देवी उनके पक्ष में अपना बयान ना दे दे तब तक उन्हें हवालात में ही रहना पड़ेगा। बोल क्या किया था पशु ने? एक्सीडेंट, उन्होंने दोबारा बोलिए। डॉक्टर ये बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले अपना बयान दे चुकी कि इसका एक्सीडेंट इन लोगों ने करवाया। अब देख, एक एक बंदा इस घर का जेल में सड़ेगा, चक्की पीसेगा चक्की। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं क्यों? कॉपरेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बाहर जाइए प्लीज। प्राचीन का फोन है। हेलो, हाँ हाँ बोल बोल, क्या हुआ? वही भैया जिसका मैं डर था, मालती भाभी ने हमारे खिलाफ बयान दिया। भैया क्या क्या हुआ भैया? मालती भाभी ने हमारे खिलाफ बयान दिया? जी भैया, मालती भाभी ने हमारे खिलाफ बयान दिया। प्राचीन तू एक काम कर, तू घर वापस आ, हम कुछ करते हैं। ठीक है भैया। तसल्ली मिल गई आपको भाभी? कुछ गड़बड़ है प्राचीन, मालती भाभी ऐसा बयान दे ही नहीं सकती। काहे की गड़बड़ भाभी, काहे की गड़बड़? और दिया है, मेरे सामने दिया है, और आपको अब भी उन लोगों पे भरोसा है? मालती भाभी ने आज फिर वही किया जो उन्होंने पहले किया। बस फर्क इतना है कि इस बार आपने अपना कंधा दिया उन्हें बंदूक चलाने के लिए। पिताजी ने सही कहा था, प्राण और प्रकृति साथ साथ ही जाते हैं। हर बार इन लोगों ने यह साबित किया है कि ये लोग किसी भरोसे के लायक नहीं है। गलती हम लोगों की है जो बार बार इन पे भरोसा करते हैं। हम नहीं तेज, सिर्फ कुछ लोग। मैं तो चाह के भी भरोसा नहीं कर पाया। गलती किसकी है ये सोचते बैठने का वक्त नहीं है बेटा, थेदी और पशु के बारे में सोचो। दादाजी मैं पशु भैया और पिताजी को जेल में नहीं रहने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें वापस ला के। हेलो कौन? ज्ञान? हाँ आंटी जी, सुधा आंटी का फोन है। ज्ञान हेलो। हाँ बेटा, अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर? हमने सोचा भी नहीं था सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है आंटी जी। मालती भाभी ने ये बयान दिया है कि वो एक्सीडेंट हमने करवाया था। क्या? जी। ये भगवान, अब क्या होगा? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही है? टोस्टी से पूछिए, क्योंकि आज ये मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी बचकानी जिद की वजह से हो रहा है आंटी जी। तो आपको नहीं लगता कि ये सवाल आपको उससे करना चाहिए, मुझसे नहीं? तेज बेटा ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। हाँ तो और क्या करूं मैं आंटी जी, और है क्या हमारे हाथ में? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आंटी जी कि अगर मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं इस बार टोस्टी को माफ नहीं कर पाऊंगा आंटी जी। हमारा रिश्ता फिर से टूटेगा, इस बार हमेशा के लिए। मालती भाभी ने हमारे खिलाफ बयान दिया भैया। मुझे माफ कर देना टोस्टी, लेकिन कल अगर पिताजी और पशु भैया घर वापस नहीं आए तो मैं ये रिश्ता निभा नहीं पाऊंगा। हमें एक बार फिर अलग होना होगा, और इस बार हमेशा के लिए।
भगवान जी प्लीज कुछ कीजिए। मैं जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। सांप की फितरत ही ऐसी होती है, उसे मदद करने के लिए भी अगर हाथ बढ़ाओ तो उस हाथ को भी वो डस लेगा। देखा नतीजा भलाई करने का, तूने उसकी इतनी मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया और उसने तुझे जेल पहुंचाया। पिताजी पशु भैया, मैंने वकील साहब से बात की है, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, बस हम लोग हैं ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हम लोग। पिताजी बड़े भैया, भैया हम क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? अभी तेज से बात की मैंने, तो अभी यही कह रहा है कि अगर समधी जी या पशुपतिनाथ के साथ कुछ भी गलत हुआ तो दोस्ती के साथ आगे से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब मैं बात को और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। आप एक काम करिए, ऑफिस जाते जाते मुझे टोस्टी के घर छोड़ दे जाइए। आप क्या करेंगी वहां जाकर? क्या करूंगी क्या मतलब, समझाऊंगी जाके उसे कि ये बेवकूफी ना करे और क्या। नहीं सुधा, आप कितनी भी नाना करते रहे मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, समझे? अरे मैं टोस्टी को समझाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। तो मैं उससे जाकर बात करूंगा। आप समझाएंगे? रहने दीजिए, आपको डांटना तो आता है नहीं, आप उसे समझाएंगे? बस प्यार से उसे पुचकारते रहेंगे और वो है कि आपकी हाँ में हाँ मिलाती जाएगी, फिर उसे करना वही है जो उसने करना है, क्योंकि आपकी बात तो एक कान से दूसरे कान तक जाने भी नहीं देगी वो। हाँ तो आप डांट के समझाएंगी तो समझ जाएगी वो। अभी वहां का माहौल तंग है सुधा, ललित कुमार शर्मा जी आप वो पशुपति नाथ चतुर्वेदी को दुर्वासा मुनि कहती है ना, आप खुद भी उससे कम नहीं है। एक पल में कमान से छूट जाएं तो जो मन में आता है बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। अरे मैं अच्छे तरीके से टोस्टी को समझा लूंगा। अच्छे तरीके से मतलब प्यार से पुचकारते हुए नहीं, अगर सख्ती बरतनी पड़े तो वो भी बरतना, ये नहीं कि उसकी हाँ में हाँ मिला दी या उसके जिद के सामने झुक गए। हाँ बाबा, इतना मुझे भी पता है कि कभी कभी माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आती। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं टोस्टी को अच्छे से समझाऊंगा। अब तो मुस्कुरा दीजिए। भाई गुरु जी, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि देना। माने दोनों को लेकर आओ, चलो तुम दोनों बाहर निकलो। साइन कीजिए। वकील साहब शुक्रिया, देश ने मुझसे बताया कि हमें छुड़ाना कितना मुश्किल था, लेकिन आपने ये काम कर दिखाया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी चेतीलाल जी, ये सब आपकी बहू की वजह से पॉसिबल हुआ है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, मालती भाभी की वजह से। आपकी बड़ी बहू की वजह से, उन्होंने आपके पक्ष में बयान दिया। एक्चुअली पहले वो स्टेटमेंट देते वक्त बेहोश हो गई थी, इसलिए पूरा स्टेटमेंट नहीं दे पाई। फिर उन्हें जब होश आया तो उन्होंने खुद पुलिस को सामने से बुलाया और खुद स्टेटमेंट। तो बोलिए मालती देवी, फिर क्या हुआ?
बोल बेटा। पशु मुझसे मिलना चाह रहे थे। देखा, सब प्लान करके रखा था पहले से ही, वरना 6 साल में तो कभी नहीं बुलाया, तो अब क्यों बुलाया उसने? तू बोल बेटा, बोल। मैं वहां पहुंची तो वो वहां खड़े थे। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, पशुपतिनाथ वहां पहले से ही खड़ा था ताकि ड्राइवर को इशारा कर सके। आंटी प्लीज, उनके मुंह में शब्द मत ठूसिए। तू बोलने वाली होती कौन है बीच में? निकल यहां से। वो शांत रही है और वो ठीक कह रही है। आप इनसे अपने शब्द बुलवाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें खुद बोलने दीजिए जो अपने मन से बोलती। और आप दोनों बाहर जाइए। मैं माँ हूँ उसकी, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। तो क्या हुआ, आप माँ हैं तो? आप दोनों बाहर जाइए, जाइए। हाँ तो मालती देवी क्या कह रही थी आप? फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आई, उसके बाद थैंक यू मालती देवी, थैंक यू डॉक्टर। सो नाइस। हो गया इंस्पेक्टर साहब। जी, ले लिया स्टेटमेंट हमने। अब तो हो गई ना तसल्ली आपको? माने? यस सर। पुलिस स्टेशन में बोलो कि उनकी रिहाई के लिए पेपर तैयार करें। ओके सर। क्या मतलब? मतलब मालती देवी ने हमें स्टेटमेंट दिया है कि उनके एक्सीडेंट में उन लोगों का कोई हाथ नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये बयान गलत है। माने? आंटी, झूठ चाहे कितना भी बड़ा, सच के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते। और झूठ ने सच के सामने घुटने टेक दिए। थैंक यू इंस्पेक्टर सर। पागल हो गई है क्या? क्यों किया तूने ऐसा? तुमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनके मन में क्या है अच्छी तरह से जानती हूं मैं। उनके भोले चेहरे के पीछे जो शैतान छिपा है ना, उसे पहचानने की कोशिश कर। क्यों जान के अनजान बन रही है? सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है माँ। मैं मर क्यों नहीं गई इससे पहले? यही तो चाहते हैं वो लोग, लेकिन तू नहीं समझेगी। और तुम माँ, तुम कभी नहीं समझोगी कि वो लोग क्या है, कि वो लोग क्या है। नहीं समझोगी माँ, नहीं समझोगी। छेदीलाल चतुर्वेदी। हाँ, क्या बात? हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट। किस जुर्म में? मेरी बेटी को मारने की साजिश करने के जुर्म में। खेदी जा बेटा, थोड़ी देर सो जा, पूरी रात नींद नहीं आई होगी। पशु तू भी जा।
मुष्टि बेटा। ओह भाई साहब नमस्ते, क्या हुआ था, पुलिस क्यों ले गई थी आपको? क्या करके आप लोग बाद में आएंगे? हाँ हाँ बाद में तो आ ही जाएंगे, लेकिन अब ये जानने आए हैं हुआ क्या था। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। नहीं कुछ खास नहीं हुआ था, वो तो पुलिस को कुछ गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बस ऐसे ही हो गई। अच्छा तो गलतफहमी दूर हो गई कि कुछ बाकी है? इस वक्त जाइए आप लोग, बाद में आइए, चलिए। अरे बेटा ये तो मोहल्ले वाले कुछ बात कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं। आपने शायद सुना नहीं आंटी जी, इस वक्त जाइए बाद में आइएगा प्लीज। नमस्ते, चलती हूँ। रोसी बेटा कुछ जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। शुक्र है पूरा मोहल्ला नहीं आया, लेकिन लोग तो बातें करेंगे ना। बाहर जाएंगे तो फिर वही घूरती नजरें। बस तुम्हें जो करना था, जिसके लिए करना था, हो गया। अब बस अब एक भी कदम और नहीं ठोसती, ना किसी की तरफ और ना ही किसी के लिए, क्योंकि अगर तुम अब नहीं रुकी ना तो हमारे देखते देखते सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम आज के बाद इस घर के मामलों में दखल नहीं दोगी, समझे? आज के बाद तुम अपनी मर्जी हम में से किसी पे नहीं थोपोगी। तुम्हारा गुस्सा सही है लेकिन मुझे अगर सही है तो चुपचाप सुनती रहो, सफाई मत दो। आज के बाद तुम हमारे घर के किसी मामले में दखल नहीं दोगी, बात खत्म। तुम सिर्फ वो देखती हो टोस्टी जो तुम देखना चाहती हो, लेकिन अब जो तुम देखना चाहती हो वो हम नहीं देखना चाहते। मेरे पिताजी अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं टोस्टी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं माफ नहीं करूंगा, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तूने अपने मन की, अब किस बात की नाराजगी? नाराजगी इस बात से है कि तुमने भी अपनी मन की बात कर ली। क्यों माँ, क्यों झूठी रिपोर्ट लिखवाई? कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है मैंने, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तूने ही बताया होगा ना उस टोस्टी को कि तेरा मंगलसूत्र खो गया है। पता भी है तुझे पुलिस वालों के सामने कैसी कैसी कहानियां बना रहे थे वो लोग कि पशुपतिनाथ तुझे मंगलसूत्र देने आ रहा था। सुनिए आंटी, जाइए जाकर अपना डिपॉजिट जमा करवा दीजिए। क्यों, उस पशुपतिनाथ ने नहीं करवाया? लीचड़ कहीं का। वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल ले आए
और मेरी जान बचाई वो नहीं दिखाई देता। अरे वो तो तू जिंदा बच गई ना, इसलिए तुझे जिंदा देख के डर गया और इसीलिए तेरी नजर में महान बनने के लिए तुझे यहाँ अस्पताल में लेके आ गया। जी मुझे इन्फॉर्म करना है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप अपना डिपॉजिट कब तक जमा करवा देंगे? हाँ हाँ भर देंगे डिपॉजिट आज ही। कितना है? जी 30,000। क्या? अरे ये डिपॉजिट मांग रहे हो या पूरे महीने का बिल दे रहे हो पहले से? जी डिपॉजिट है। देख लिया तूने? ऐसे नहीं तो ऐसे मार रहा है वो पशुपतिनाथ, यहाँ इतने महंगे अस्पताल में लाके पटक दिया तुझे। सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया होता वही अच्छा होता। तुम तो हमेशा उसी की तरफदारी किया कर। तो क्या बोलूं जाकर, आप कब तक जमा करवा देंगे? देखो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कर देंगे जमा कल। जी ठीक है। पहाड़ भी अभी टूटना था। इतनी बड़ी रकम कहां से लाओगी माँ? तेरा मंगलसूत्र खो गया है, नहीं तो उसे ही गिरवी रख देती। पशुपतिनाथ तू है, चल अच्छा हुआ तू खुद ही पुलिस स्टेशन आ गया, तेरे खिलाफ भी मेरे पास अरेस्ट वारंट है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ा। तेरी वजह से नहीं, उस मालती की वजह से। सही कहा आपने, उस औरत की वजह से। रुक जा बेटा, रुक जा, मत जा बेटा, वो मेरी बात मान, रुक जा बेटा। मालती, मालती, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। कौन सी जुर्म? आपके वो मालती के घर वालों से दहेज मांगने की जुर्म है। ये सब मालती भाभी की वजह से हुआ है, उन्होंने आपके पक्ष में बयान दिया पिताजी। ठोस्टी निर्दोष है, उस बेचारी को तो ये पता तक नहीं कि उसके साथ ये खेल खेला जा रहा है। ठोस्टी आपको इन्हीं पैरों पर फिर से खड़ा करने के लिए दिन रात एक करती आई है दादाजी। मैं इस घर में वापस आने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन माफी मांगने का हक है मुझे। अपने किए के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। वेद, जब भगवान खुशियां बांट रहा था तब वहां हम में से कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। भैया ऐसे कहने का शायद कोई फायदा तो नहीं होगा, पर हो सके तो कोशिश करके ये सब भूल जाइए।